तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉप से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के नए अंदाज पे। तो दोस्तों बात करेंगे, अभी हम हैं कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक आश्रम पड़ता है जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है और सोशल मीडिया पर भी काफी छाया हुआ है और न्यूज चैनलों पर भी काफी दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करौली सरकार आश्रम की, करौली सरकार धाम की, जो कि कानपुर से मौजूद है 20 किलोमीटर दूर करौली गांव में। यहाँ पर पीछे देख सकते हो, ये वही आश्रम है, वही करौली सरकार का आश्रम है जहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। हर प्रकार की समस्याओं का बाबा यहाँ पे समाधान करते हैं, जो कि हम लोग लाइव कैमरे पे देखते हैं जब वो समाधान करते हैं कि लोगों का दुख जो है दूर खड़े होके ही, दूर से ही उनका निवारण कर देते हैं। ऐसी लोगों की आस्थाएं ऐसा वो दिखाते हैं, ऐसा वो कैमरे के माध्यम से बताते हैं कि ये हम समस्याएं इनकी दूर कर देते हैं। क्या है क्या नहीं है वो ऊपर वाला जाने और वो खुद जाने और लोग जाने जिनकी समस्याएं उनसे दूर होती हैं। तो बाकी यहाँ पे हवन वगैरह भी करे जाते हैं। ये वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, ठीक है, उसको अगर देखना है आप लोगों को तो एक दूसरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिए। पूरा आश्रम मैंने घुमाया हुआ है। इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख रखा है, यहाँ पे कैसे आएंगे, किस साधन से यहाँ पे आ सकते हैं, कैसा यहाँ पे खाना पीना आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि गाँव है ये, गाँव में खाने पीने की क्या व्यवस्था है वो दिखाएंगे, कहाँ पे यहाँ पे रहेंगे वो चीज़ हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बाहर ही कुछ छोटी छोटी दुकानें मेरे को दिख रही हैं। हम बैक कैमरे को ऑन करके पूरा आपको यहाँ पे बाहर का भ्रमण कराएंगे, कहाँ पे रुक सकते, अंदर भी लेके चलेंगे, अंदर भी रुकने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, उनके बारे में पूरा बताएंगे। और तो चलिए हम बैक कैमरे को ऑन करके आप लोगों को खाने पीने का, रहने का, यहाँ पे आने का सारा कुछ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लगा रहेगा सभी गाड़ियों पर लगभग चलो चले करौली शंकर महादेव धाम। जी हाँ दोस्तों, ये है करौली शंकर महादेव धाम, जिसे करौली सरकार धाम के नाम से भी जाना जाने लगा है और काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये ट्रेंड कर रहा है और काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले भी इसके बारे में आजकल खूब छाप रहे हैं। यहाँ पर खाने की अगर बात करेंगे तो आप लोगों को माता जी एक फल फ्रूट बेचते हुए नज़र आ जाएंगी, है ना। रेट वगैरह वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर तय कर लीजिएगा। देखिए, इस चीज़ का कभी कोई रेट नहीं होता, लोग अपने अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। अभी कैमरे पे कुछ और बहुत लोग बताते हैं कि मतलब रेट नहीं, आप बताओगे कितने में मिल जाएगा। खाने का प्रॉपर मैं बता दूंगा अभी, कितने रुपए थाली वगैरह यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये क्या है फल फ्रूट का, ये लोग अपने हिसाब से डेली का डेली लाते हैं तो डेली के हिसाब से अपना ऊपर नीचे करते रहते हैं। यहाँ पे पूजा की सामग्री भी मिल रही है, फूल पान एवं प्रसाद भंडार वो भी आपको मिल जाएगा। पीने के लिए गर्मी चल रही है तो आप लोग को निरंतर यहाँ पे गन्ने का जूस फ्रेश मिलता रहेगा, जब आएंगे तो निकलवा लीजिएगा। पानी की बोतल भी यहाँ पे मौजूद है और अगेन यहाँ पे प्रसाद वगैरह मौजूद है। सामने खड़ी हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ, पार्किंग एरिया है, पार्क होती हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, है ना। और ऑटो वगैरह में भी यहाँ पे खड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा, ऑटो भी खड़े हुए हैं, ये वाले भी खड़े हैं, बैटरी वाले भी खड़े हैं और वो ग्रीन वाले भी खड़े हैं। अभी आगे चल कर दिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ तक आपको लेके जा सकते हैं। ये है इस आश्रम का मुख्य द्वार, जहाँ से आप इंटर करोगे और यहीं से आप एग्जिट करोगे। अभी जब इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पर जो है वो बड़ा लगे खुला नहीं था, अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पर करौली शंकर धाम का जो है काफी दिव्य दरबार का फोटो लगा हुआ है और बाबा जी खुद यहाँ पे फोटो में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये काफी सुंदर आश्रम है, आश्रम के अंदर का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मौजूद है अगेन फूल प्रसाद, आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। जो भैया दरबार कब लगता है यहाँ पे मालूम नहीं, आप रोड नहीं आते हो यहाँ पे, दूसरे दिन आ सकते हो, चलो कोई बात नहीं भैया। यहाँ पर देखोगे तो जनरेटर वगैरह की बहुत उचित व्यवस्था यहाँ पे है, लाइट अपनी खुद ही प्रयोग में लेते हैं, गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, खुद के जनरेटर वगैरह चलते रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कितनी ज्यादा फंडिंग होगी, कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे आता होगा जिसकी वजह से 2400 घंटे जनरेटर वगैरह चलते रहते हैं। ये पूरी व्यवस्था रेगुलर व्यवस्था यहाँ पे है ये। और गन्ने का जूस प्रेस यहाँ पे भी मिलेगा, खीरा ककड़ी वगैरह भी आने लगे तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर बाबा ने लगा रखी है जूता चप्पल की अच्छी सी शॉप, गमछा तौलिया बैग टी शर्ट जो भी लेना चाहो आप लोग देख सकते हो, बाबा के पास देखने को मिल जाता है, ये बाहर का है। और ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, ठहरने हैं तो किराए में एसी नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं, मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये देखिए मैं एक बार फिर से जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग कॉन्टेक्ट करिए इस पर, है ना। तो ये है जय करौली सरकार ऊपर लिखा हुआ है। सामने देखेंगे अभी ये क्या चीज़ बनी हुई है ना,
उसके बाद इसके बारे में चलेंगे, इसके अंदर दिखाएंगे। शायद दिव्य दरबार इसी के अंदर तो नहीं लगता है, ये भी अभी हम चलेंगे तो दिखा देंगे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि मैंने पहले ही बताया था खड़ी रहती है, ऑटो वगैरह भी खड़े रहते हैं। ये दूसरा गेट है जो कि बंद ही रहता है, हमें नहीं लगता अभी खुला होगा या कभी खुलेगा ये, है ना। बाकी ये चप्पल और कपड़ों की दुकान है, नॉर्मल कपड़े चप्पल मिल जाएंगे, ज़्यादा क्वालिटी बेस्ट चाहोगे तो नहीं मिल पाएगा। और आप लोगों को दिखाएंगे तो यहाँ पर है खिलौनों की दुकान, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ से आप लोग जा सकते हो रेलवे स्टेशन सीधा, वो भी कानपुर सेंट्रल अगर जाना है तो सीधा मतलब जा सकते हो, सीधा लेके आप लोगों को कानपुर सेंट्रल जाया जाएगा। और रामा देवी के लिए, कानपुर में एक रामा देवी जगह है, वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे। रामा देवी देखो चिल्ला रहे हैं, रामा देवी चिल्ला रहे हैं ना, ये रामा देवी लेके जाएगा छोटा वाला, अब बड़ा वाला शायद सेंट्रल लेके जाएगा। दो जगह से सीधा यहाँ पे आने का साधन है, आप लोग आ सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, कानपुर सेंट्रल से आ सकते हो यहाँ पे सीधा करौली सरकार धाम बता के, और रामा देवी से आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे मौजूद है टेम्पो, जब ये भर जाएंगे तभी चलेंगे। यहाँ पे अगेन फल फ्रूट्स की दुकान है, और आगे कुछ खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे है जलपान के लिए। आगे होटल है, यहाँ पे भी एक होटल मौजूद है ना, जहाँ पे इसके रेट देखो लिखे हुए, पूछने की जरूरत नहीं है, रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। चाय 10 रुपये, चाउमीन 10 रुपये, मैगी 25 रुपये, पकौड़ी 10 रुपये, पूरी सब्जी 20 रुपये, और गर्म दूध 50 रुपये, सारे कुछ के रेट यहाँ पे लिख रखे हैं, तो पूछने की जरूरत है नहीं। आगे एक और होटल है ना, और ये है क्या मेन चीज़ तो ये है कि ये क्या है, यहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी बड़ा ये हॉल बना हुआ है, शायद इसी के अंदर तो दिव्य दरबार नहीं लगता, तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं दिखाने के लिए। भीड़ तो इसके अंदर काफ़ी लगी है, लाइन भी काफ़ी लगी हुई है, लेकिन वीडियो बनाना बंद ना करवा दें। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर है क्या आखिर। अभी गाइस इसके अंदर अभी हम आ चुके हैं, और इसके अंदर काफ़ी लाइन लगी, तो भैया ये लाइन किस लिए लगी भाई? ये लाइन किस लिए लगी? अरे गद्दे के लिए लाइन लग रही है भैया, गद्दों के लिए। गद्दे के लिए? ये रुकने के लिए है क्या? हाँ। अच्छा, तो ठहरने के लिए जो गद्दा मिलता है ना, यहाँ से पर्ची कटेगी और वहाँ गद्दा मिलेगा। रुकने का कुछ चार्ज पड़ता है? रुकने का कोई चार्ज नहीं, दो तीन दिन कितना भी रुको, महीने भर रुको। गद्दे का क्या चार्ज लेते हैं लोग? बस आधार कार्ड अपना, मतलब कुछ आईडी जमा करो, जमा कर दो अपना, वो लिखवा दो, बस ले जाओ गद्दा, रुको महीने भर, रुको ले लो आप, रुको आराम से, है ना। 12 बजे भंडारा होगा, खाओ पियो। 12 बजे से शुरू हो जाता है? कब तक चलता है? 12 बजे से 3 बजे तक, जब तक मतलब लोग खाएंगे, जब तक खाएंगे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहता है। खत्म की बात नहीं है, जब तक लोग पूरे लोग खा नहीं लेते। यहाँ पे रुकने वाले कि बाहर से भी लोग खा सकते हैं? गांव वाले तो आते ही होंगे। गांव वाले खाते हैं। आप कहाँ से हो? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट बनारस। वहाँ से आए हो? क्या बात है भैया, देख रहे हो ये बिहार के तलहटी से आए हुए है भाई। तो 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से आ रहे हो? कब आज ही आए हो आप? तो अपने दोस्त की फैमिली को लेकर आया हूँ। फैमिली को लेकर आया है, मतलब मान्यता दो दो तक है? अरे बलिया डिस्ट्रिक्ट मेरे रिलेशन के हैं, वो लोग भी आए हैं। दरबार कब लगता है कुछ पता है आपको? दरबार जैसे वो लगाते हैं लाइव दरबार लगाते हैं, समस्या दूर करते हैं सबकी? मंगलवार को होता है, मतलब ऐसे सबके लिए होता है, जो घर से भी पूजा कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। जब वो लाइव करते हैं समस्या दूर करते हैं ना, जब लाइव समस्या, लाइव बैठते हैं खुद माइक पे, है ना, वही कह रहा हूँ। 10 बजे करते हैं, शाम को वही 2-2.5 बजे के बाद, सुबह 10 बजे से शाम को 2-2.5 बजे तक, दोपहर के अंदर रोता होगा ना वो, तो उस साइड बना हुआ। चलिए भाई धन्यवाद। मैं लखनऊ से भाई, आप अब जाता रहता हूँ मैं, त्रिवेणी नगर में रुकता हूँ, त्रिवेणी नगर लखनऊ में, लखनऊ में मैं रुकता हूँ, लेकिन मेरा घर लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर जो मौजूद आप लोगों को लोग दिख जाएंगे जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक आईडी देनी है। आईडी के देने के बाद एक आप गद्दा प्राप्त कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो भाई साहब लेटे हुए, एक गद्दे से प्राप्त कर सकते हो, जिसपे आप लोग चाहो तो महीने भर, 2 महीने, जितना भी दिन रुक के जाना है रुको। खाने के लिए यहाँ पे जैसा भाई ने बताया, खाने के लिए यहाँ पे भंडारा वगैरह चलता है, तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक लोग खा नहीं लेते हैं तब तक चलता रहता है। यहाँ पे देखिए बढ़िया रुकने की उत्तम व्यवस्था है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतनी लंबी लाइनें यहाँ पे, दो दो तीन तीन लाइनें लगी हुई हैं, जो कि मैं देखा तो पहले मैं सोचा कि क्या है यहाँ पे, पर बाद में पूछताछ पे पता चला कि गाजीपुर से एक भाई आया है, गाजीपुर बनारस, सोचो कितना दूर है यहाँ से, वहाँ से भाई आया है, और सिर्फ आधार कार्ड लो और ये
गद्दा मिल जाता है, आईडी एक अपनी देनी पड़ती है और गद्दा ये ले सकते हो आप लोग और फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हो। ये काफी बड़ा हॉल है, इसके अंदर आप लोगों को कोई ऐसी घुटन या ऐसा कुछ महसूस होने वाला नहीं है। कोई गद्दा लेके आए, गद्दा वगैरह आप लोगों को यहाँ पे रखे हुए देखे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए गद्दा रखे हुए हैं, लोग वहाँ से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे फोटो वगैरह भी लगी हुई है, करौली वाले बाबा जो प्रेजेंट टाइम वाले हैं उनकी फोटो देखिए बीच में लगी हुई है, और ये उनके गुरु जी की फोटो यहाँ पे लगी हुई है करौली सरकार, और ये माता की फोटो लगी हुई है कामाख्या देवी की, है ना। यहाँ पे भी हवन वगैरह हमें लग रहा होते हैं क्योंकि हवन के यहाँ पे ऐसे वो सामग्रियां वगैरह रखी हुई हैं। देखते हो ये है हवन करने का स्थान, और हवन हमें लग रहा प्रारंभ होने वाला होगा क्योंकि यहाँ पे सामग्रियां रखी हैं हवन के पास में ही। देखिए सारी सामग्रियां हवन में जो यूज होती है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर प्रॉपर रखी हुई है एक एक फोटो के साथ में।